तो यार आज का वीडियो बहुत ही कंफ्यूजिंग है यार। यहाँ पर पोको M2 प्रो लॉन्च हो गया है तो काफी कंफ्यूजन हो रहा है दोनों फोन में से कौन सा फोन लिया जाए। तो फिकर नॉट दोस्तों, मैं हूँ ना। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ पोको M2 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो में से दोनों में से कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। तो काफी कंफ्यूजन हो चुका है यहाँ पर, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम डिजाइन की बात करते हैं पोको M2 प्रो की। अगर हम फ्रंट की बात करें तो उसमें आपको आगे की तरफ पंच होल कैमरा देखने को मिलता है। वही नोट 9 प्रो की बात करें तो इसमें भी सेम आपको आगे की तरफ पंच होल कैमरा मिल जाता है। सेम साइज है दोस्तों, कोई भी डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर अब आपको दोनों फोन्स दिखाए जाएं तो आप फ्रंट से ये कहोगे कि M2 प्रो कौन सा है, 9 प्रो कौन सा है, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है दोस्तों। 9 प्रो का मतलब रेडमी नोट 9 प्रो। तो वहीं हम बैक की बात करते हैं तो अगर आप एक नज़र में देखोगे तो दोनों ही फोन आपको सेम लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पर जो कैमरा है उसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा। हालांकि क्वाड कैमरा सेटअप आपको दोनों ही फोन में मिलता है, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज दिया हुआ है LED फ्लैश में, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं दिखता है दोस्तों। इसलिए मैंने दोनों ही सेम कलर को लिया जिससे कि आप आसानी से यहाँ पर डिजाइन को समझ पाओ। तो बात करते हैं डिस्प्ले की। M2 Pro की बात करें तो इसमें आपको 6.6 इंच का IPS डिस्प्ले दिया हुआ है जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। इसी के साथ इसमें HDR10 का सपोर्ट दिया गया है। वहीं इसमें आपको फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम Redmi Note 9 Pro की बात करें तो इसमें भी आपको सेम वही 6.6 इंच का डिस्प्ले मिलता है जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, लेकिन आपको यहाँ पर HDR10 का सपोर्ट नहीं मिलता है। और वहीं दोनों में 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको दोनों में ही कोई चेंजेस देखने नहीं मिलता है, बस केवल चेंजेस एक ही यहाँ पर देखने को मिलता है। आपको उसमें HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है और 480 निट्स की ब्राइटनेस आपको मिल जाती है, जबकि Redmi Note 9 Pro में आपको 450 निट्स की ही ब्राइटनेस मिलती है। तो थोड़ा सा कलर्स और थोड़ी सी ब्राइटनेस आपको ज्यादा इसमें मिल जाती है M2 Pro में, बाकी और कोई खास डिफरेंस इसमें नहीं आता है। इसी के साथ परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको दोनों ही फोन में Qualcomm Snapdragon 720G प्रोसेसर दिया गया है जो कि 8nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं बता दें ये एक गेमिंग प्रोसेसर है और परफॉर्मेंस इसमें दोस्तों दोनों में ही आपको एकदम बढ़िया सी देखने को मिलने वाली है, कोई भी कमी आपको महसूस नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप गेम खेलते हो जैसे PUBG वगैरह, COD अगर खेलते हो तो काफी अच्छी लेवल की गेमिंग आप कर पाओगे। इसके अलावा बात करें कैमरे की, आपको दोनों ही फोन्स में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें प्राइमरी कैमरा जो दिया गया है 48MP का है, सेकेंडरी कैमरा 8MP का है जो कि अल्ट्रा वाइड है, 5MP का मैक्रो मिल कैमरा दिया गया है और 2MP का आपको डेप्थ कैमरा मिल जाता है। वहीं फ्रंट कैमरा की बात करें तो आपको दोनों में ही सेम देखने को मिलता है, 16MP का आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है। दोस्तों कैमरा परफॉर्मेंस आपको दोनों ही फोन्स में बिल्कुल एकदम सेम मिलने वाली, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं बैटरी की। तो M2 Pro में आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है और साथ ही आपको 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। दूसरी तरफ Redmi Note 9 Pro में आपको 5020mAh की बैटरी मिल जाती है। दोस्तों काफी बड़ी बैटरी मिलती है दोनों ही फोन में। इसी के साथ 18W की आपको फास्ट चार्जिंग मिलती है। तो बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो पोको M2 Pro ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पर आपको 33W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, तो एक बड़ी बैटरी है तो जल्दी चार्ज कर देगा फोन आपको। वहीं इसमें केवल आपको 18W की मिलती है। इसके अलावा बात करें सिक्योरिटी फीचर की तो आपको दोनों ही फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है। इसके अलावा बात करते हैं इसके वेरियंट और इसके प्राइस के बारे में। दोस्तों इसमें मैं केवल बेस वेरियंट की बात कर रहा हूँ, बाकी सभी वेरियंट की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो M2 Pro के जो बेस वेरियंट है वो 13,999 रुपए यानी कि 14,000 रुपए की प्राइस में आ जाता है, जिसमें आपको 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज आपको ऑफर की जाती है। वहीं Redmi Note 9 Pro की बात करें तो उसका भी बेस वेरिएंट सेम 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आता है और प्राइस भी इसकी सेम है 13,999 रुपए, यानी कि 14,000 रुपए के प्राइस में आपको दोनों ही फोन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी और वेरिएंट की प्राइस आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से यार आप लोग समझ गए होंगे कि दोनों में से मैं कौन सा फोन लेना चाहिए। यार मैं तो अपने ओपिनियन शेयर करूंगा ही, लेकिन आप लोग भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि दोनों में से आपको कौन सा फोन पसंद आया है। तो चलिए अब मैं अपने ओपिनियंस की बात करता हूँ। तो इन दोनों फोन्स की प्राइस जो है आपको सेम प्राइस मिल जाती है, सेम वेरिएंट मिल जाता है, यहाँ तक कि आपको
कैमरे की बात करें हम, प्रोसेसर की बात करें, तो दोस्तों सब कुछ यहाँ पर सेम मिल जाता है। वहीं अगर हम मेजर डिफरेंस की बात करें तो उसमें सबसे पहले तो आपको जो बैटरी मिलती वो तो आपको दोनों में ही अच्छी बड़ी बैटरी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर M2 Pro में आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, जो फास्ट चार्जिंग है वो 33 वॉट की आपको मिल जाती है, जिससे कि फ़ोन आपका काफ़ी जल्दी यहाँ पर चार्ज हो जाएगा, जो कि Redmi Note 9 Pro में आपको केवल 18 वॉट की चार्जिंग ऑफर की जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम डिस्प्ले की बात करें तो उसमें आपको 480 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, जबकि Note 9 Pro में आपको 450 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। हालांकि इसको हम मेजर डिफरेंस नहीं कहने वाले हैं, और इसी के साथ आपको HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है M2 Pro में, जिससे कि आप जब वीडियो वगैरह देखोगे तो काफ़ी अच्छे से कलर्स उभर के आएंगे। तो बस यही डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर मुझे यहाँ पर कोई फ़ोन लेना हो तो दोस्तों यहाँ पर मैं M2 Pro को यहाँ पर कंसीडर करूँगा, क्योंकि दोस्तों पहली बात तो ये एक लेटेस्ट फ़ोन है, दूसरी बात यहाँ पर हमें 33 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है M2 Pro के लिए। तो ये तो थे फिलहाल दोस्तों मेरे ओपिनियन, आप बताइए आप क्या सोचते हो इन दोनों फ़ोन्स के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं सबसे पहले अपडेट डाल देता हूँ वीडियो का। तो चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।